तो इस साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत वैसी ही है पिछले साल जैसे भारत की थी। टीम इंडिया को 2021 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच हारने के बाद सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए सभी मैच जीतने के साथ साथ अन्य टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना था। ऐसी कुछ स्थिति इस समय पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में जहां भारत ने धूल चटा दी, वहीं दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने उलटफेर करते हुए उन्हें एक रन से हरा दिया। इस दो हार के बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भारत से है। अब हम आपको समझाते हैं भारत से पाकिस्तान की उम्मीद कैसे है। पाकिस्तान भारत पर निर्भर इस वजह से है क्योंकि टीम इंडिया को अगले तीनों में से दो मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही खेलने हैं। अगर टीम इंडिया इन दोनों ही मैचों में जीत दर्ज करती है तो ना सिर्फ भारत सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा बल्कि पाकिस्तान की राह भी थोड़ी हैरान कर देगी। इसके बाद पाकिस्तान दुआ करेगा कि ये दोनों टीमें एक एक मैच और हार जाए। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले अपने बचे तीनों मैच जीतने होंगे। बता दें कि पाकिस्तान को इन तीनों मैच में से एक मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलना है। तो पाकिस्तान को अगर इस साल सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो उन्हें अपने बचे तीनों मैच जीतने के साथ साथ दुआ करनी होगी कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे कम से कम दो मैच हारे। पाकिस्तान अगर तीन मैच जीतता है तो वह सुपर 12 स्टेज 6 अंकों के साथ खत्म करेगा। वहीं अगर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे अपने अगले दो मैच हारता है तो वह 5 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगा। ऐसे में पाकिस्तान सेमीफाइनल में भारत के साथ प्रवेश कर सकता है। तो ये पूरा समीकरण है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो किस तरह पहुंचेगा, उसके तीनों मैच जीतने होंगे और अन्य टीमों के रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं। ये बहुत मुश्किल है लेकिन उम्मीद है, उम्मीद जिंदा है अभी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की।